Dear students, today we will start our unit number 1, that is crystal structure. When we talk about crystal structure and we move to the basic part, तो सबसे पहले आता है कि crystal क्या है, ठीक है ना, crystal क्या है? और जब हम crystal की बात करेंगे तो उससे पहले आता है solid क्या है, ठीक है? और solid की बात करेंगे तो उससे पहले आता है matter क्या है? तो अगर हम बिल्कुल बेसिक पार्ट से शुरू करें तो हम शुरू करते हैं कि जब भी हम मैटर की बात करते हैं, मैटर क्या है? मैटर एनीथिंग विच हैज मास इज मैटर, ठीक है ना? कोई भी ऐसी चीज जिसका मास होगा वो मैटर होगा, ठीक है? अब जब हम मैटर की बात करते हैं तो मैटर 3 तरह का होता है जनरली, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हालांकि एक चौथी फॉर्म भी आती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ मैटर। जब हम बात करते हैं सॉलिड की तो हमें पता है कि सॉलिड वो हैं जो फिक्स शेप के होते हैं, फिक्स वॉल्यूम के होते हैं, और उनके फिक्स शेप इसलिए होती है क्योंकि उनकी जो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है? और इसलिए उनकी पैकिंग डेंसिटी भी ज़्यादा होती है और उनमें जो एटम्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो प्रॉपर्टीज आती हैं सॉलिड्स की। लेकिन एक चीज़ मेन जो डिफरेंस क्रिएट करती है, सारी जो प्रॉपर्टीज इस चीज़ से जनरेट होती हैं, वो है कि इनके बीच में जो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन है वो बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई एटम्स आर क्लोज टू ईच अदर। यहां पे हम इतना ही रखेंगे। दूसरी बात आ जाती है लिक्विड की, जिसके अंदर सॉलिड से कम होता है इंटरेक्शन, तो इसलिए क्या है कि उनका वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा बट दे कैन फ्लो, उनकी शेप फिक्स नहीं होती। तो उसको जिस भी चीज में डालते हैं वो उसी की शेप ले लेता है। तीसरी स्टेट आती है गैस की, जिसकी ना शेप फिक्स होती है ना वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है ना? उसको प्रेस कर देंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, उसको अगर हम प्रेशर हटा देंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है? रीजन वही है कि जो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन है वो बहुत ही कम है। तो सबसे ज्यादा है सॉलिड में, इंटरमीडिएट लिक्विड में, सबसे कम गैस में, और चौथी जो स्टेट है जो प्लाज्मा स्टेट है वो क्या है कि वो बेसिकली हमारे पास कॉम्बिनेशन है चार्ज्ड और न्यूट्रल पार्टिकल्स की जो कंबाइंड स्टेट है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। तो अब जो हमारा जो मेन फोकस रहेगा इस पूरे के पूरे हमारे सेमेस्टर के अंदर वो रहेगा इस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर, सॉलिड, जैसा कि हमारे पेपर का भी नाम है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। हमारा जो इस साल का है तो सॉलिड स्टेट एंड नैनो फिजिक्स है, नैनो भी बेसिकली अलग पार्ट है, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स हमारा मेन पार्ट रहेगा। अब हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड के आगे हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सॉलिड्स 2 तरह के होते हैं, आपको पता है ये चीजें आपने पूरी डिटेल में पढ़ी हुई हैं। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है हमारे पास अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमोर्फस सॉलिड्स। अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, कौन से सॉलिड ऐसे हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, कौन से सॉलिड ऐसे हैं जो अमोर्फस सॉलिड हैं, तो सीधा सा आंसर है कि बेसिकली इनके अंदर जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो डिफरेंस क्रिएट करता है उनकी ऑर्डरिंग कि जो एटम्स हैं अगर वो एक ऑर्डर में अरेंज्ड हैं तो दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अगर वो ऑर्डर में अरेंज नहीं है, रेंडम अरेंजमेंट है, तो दे आर अमोर्फस सॉलिड, ठीक है? क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करें तो सिंपल शुगर हो सकता है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड हो सकता है, सीजियम क्लोराइड हो सकता है, डायमंड हो सकता है, तो दीज ऑल आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अगर मैं अमोर्फस सॉलिड्स की बात करूं तो जैसे ग्लास है, पॉलीमर्स हैं, दीज ऑल आर अमोर्फस सॉलिड्स। अगर बात आती है कि ऑर्डरिंग क्या है, देखो ऑर्डरिंग को जब हम डिफाइन करने की बात करते हैं तो मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बात करता हूं कि सपोज लिक्विड है हमारे पास, मैंने बताया कि लिक्विड ऐसा है कि विच कैन फ्लो, फ्लूडिटी उसकी ज्यादा होती है, ठीक है, विच कैन फ्लो, तो एटम्स का अरेंजमेंट जब वो फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली ऊपर नीचे होगा, इधर उधर होगा। अगर हम किसी भी लिक्विड को
सॉलिड बनने के लिए पूरा टाइम देते हैं कि वो आराम आराम से सॉलिड में कन्वर्ट हो। तो होगा क्या कि जो एटम्स हैं सारे के सारे वो अपने आप को ऐसी पोजीशन पे अलाइन कर लेंगे कि जहां के ऊपर उनके ऊपर जो नेट फोर्स है दैट विल बी जीरो, दैट विल बी जीरो, नेट फोर्स विल बी जीरो। और अगर नेट फोर्स जीरो है, अगर सपोज नेट फोर्स जीरो है तो ऑब्वियसली एक अरेंजमेंट हमारे पास एक यूनिफॉर्म अरेंजमेंट बन जाएगा, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि जो एटम की दूसरे एटम से जो डिस्टेंस रहेगी दैट विल बी कांस्टेंट, इसकी इससे इतनी रहेगी, इसके इधर वाली भी इतनी रहेगी, तभी बराबर है, नेट फोर्स जीरो होगा। इसी तरह अगले की उससे अगले पे जीरो रहेगी, उससे अगले की उससे अगले पे जीरो रहेगी, सारे जो एटम्स का जो अरेंजमेंट रहेगा दैट विल बी इन अ रेगुलर मैनर, दैट विल बी इन पीरियोडिक मैनर, दैट विल बी इन अ पीरियोडिक मैनर। लेकिन अगर हम उसकी सोलिडिफिकेशन में टाइम ना दें, जो चेंजेस हम प्रेशर का कर रहे हैं या टेम्परेचर का कर रहे हैं, अगर हम वो जो चेंज है वो अब्रप्ट चेंज कर दें, एकदम से चेंज कर दिया, जो जहां है वहीं स्टिल हो गया, जब जो जहां है वहीं स्टिल हो गया, तो जो एटम्स की अरेंजमेंट होगी दैट विल बी इररेगुलर, क्योंकि जो जहां है वहीं स्टिल हो गया, वो कहीं पे ज्यादा डिस्टेंस पे थे एटम्स, कहीं पे कम डिस्टेंस पे थे। तो इस तरह के सॉलिड जो है अमोर्फस सॉलिड, दिस इज फॉर एग्जांपल ओनली, कि अगर हम टाइम दें तो उनको टाइम मिलेगा अपने आप को, अपनी अरेंजमेंट को, अपने अपनी पोजीशन को पे फिक्स आने का, ताकि जो नेट फोर्स है वो जीरो हो। नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब उसके जो अरेंजमेंट्स हैं वो रेगुलर रहेंगे, तभी नेट फोर्स जीरो होगा। अगर कोई भी एटम आगे पीछे होगा तो ऑब्वियसली नेट फोर्स विल नॉट बी जीरो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या रहेगी कि अगर हम एकदम से सॉलिड बना दें, उसको एब्रप्ट चेंज करें, तो क्या होगा कि जो एटम्स की लोकेशंस जहां पे भी होगी, जो पोजीशंस जहां पे भी होगी, चाहे वो नेट फोर्स जीरो हो या ना हो, वो वहां एकदम से वहीं पे स्टिल हो जाएंगे, वहीं पे सॉलिडिफाई हो जाएंगे। तो इस तरह के जो सॉलिड होंगे वो हमारे पास ऑब्वियसली अमोर्फस सॉलिड होंगे, अमोर्फस सॉलिड होंगे। अब सीधी सी बात है, क्योंकि हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो एटम्स हैं और एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स होंगे, मतलब कोई रेंज नहीं होगी, फिक्स होंगे। अमोर्फस सॉलिड की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि कोई पार्ट दूर है, किसी पे फोर्स कम है, किसी पोजीशन पे फोर्स ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, कुछ पहले मेल्ट हो जाएंगी कुछ चेंज बाद में मेल्ट होंगी, तो हमारे पास क्या है, एक रेंज रहती है मेल्टिंग पॉइंट्स में, एक मेल्टिंग पॉइंट्स में रेंज होती है। इनके हम शार्प एज कट कर सकते हैं, क्योंकि जहां से कट करेंगे सीधी सी बात है अरेंजमेंट पे डिपेंड करेगा, इनके शार्प एज से हम कट नहीं कर सकते क्योंकि अमोरफस है, कोई एटम कहीं पड़ा है, कोई एटम कहीं पड़ा है, चेंज की फॉर्म में है, तो देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस। और आई थिंक यू पीपल हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट ऑल दीज की क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं और अमोरफस सॉलिड क्या होते हैं। अब मैं अगर एग्जाम्पल दूं आप लोगों को, क्योंकि अब जो हमारा आगे का पार्ट रहेगा हम अमोरफस पे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करेंगे, हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर, क्रिस्टल्स के ऊपर। क्रिस्टल्स एक्चुअली क्या हैं, वो सॉलिडिफाई होते हैं, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि अमोर्फस सॉलिड नहीं है, अमोर्फस भी सॉलिड है, बट जब भी हम किसी चीज को स्टडी करना शुरू करते हैं तो हम स्टडी शुरू करते हैं अपनी सिंपलेस्ट चीज से। जब हमारे पास अरेंजमेंट रेगुलर होगा तो इसका मतलब हम छोटे पार्ट की स्टडी करेंगे, सारी स्टडी हमारी वैसे ही चलेगी। लेकिन अमोर्फस में क्या है कि हर एक पार्ट की स्टडी लग रहेगी, वो स्टडी कॉम्प्लेक्स होगी। तो क्योंकि तुम्हारी अभी स्टार्टिंग है और हमें अभी शुरू करनी है सॉलिड, तो पहला जो हमारा फोकस रहेगा वो क्रिस्टल्स पे रहेगा। जब हम क्रिस्टल्स की फिजिक्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे तब हम अमोर्फस वाले पार्ट पे मूव करते हैं, तब हम अमोर्फस वाले पार्ट पे मूव करते हैं। तो हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है क्रिस्टल्स से। क्रिस्टल्स एज पर डेफिनेशन जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो हमारे पास रेगुलर अरेंजमेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो जो एटम्स हैं, सपोज यहाँ पे एटम है, 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 सपोज इसे वन डायमेंशन क्रिस्टल। अब देखो एटम्स हैं वो एक फिक्स पोजीशन को अपने आप रिपीट कर रहे हैं, अपने आप रिपीट कर रहे हैं। सपोज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज सपोज ए, ठीक है। तो अगर हमारे पास ए नोन है तो हम क्या किसी भी पॉइंट को ओरिजिन मान लो, मान लो ये ओरिजिन है, हमारे पास पॉइंट्स की पोजीशन क्या होंगी, इस डायरेक्शन में ए पे पॉइंट है, टू ए पे पॉइंट है, थ्री ए पे पॉइंट है, फोर ए पे पॉइंट है, फाइव ए पे पॉइंट है। इसका मतलब हर एक ए डिस्टेंस के बाद एटम अपने आप को रिपीट कर रहा है, हर एक ए डिस्टेंस के बाद एटम अपने आप को रिपीट कर रहा है। जब एक फिक्स पोजीशन के कोरस्पोंडिंग जब हम पोजीशन को रिपीट करते हैं,
किसी भी पॉइंट को हम ओरिजिन लेके अगर फिक्स डिस्टेंस के कोरस्पोंडिंग हम पोजीशन को रिपीट करते हैं तो उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं पीरियोडिक अरेंजमेंट, कि एक पीरियड है हमारे पास, एक पर्टिकुलर पीरियड है जो पीरियड हमारे पास ए है। ये तो वन डायमेंशनल। सपोज हम टू डायमेंशन की बात करें कि यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, मान लो दूसरी पोजीशन आ गई, इस डायरेक्शन में ए था। सपोज मैं कहता हूं कि इस डायरेक्शन में हमारे पास जो वेक्टर रहेगा वो सपोज बी है, वो सपोज बी है। इसका मतलब इसी पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन मानूं तो हमें ए टू ए थ्री ए फोर ए के कोरस्पॉन्डिंग एटम मिल रहे हैं। इसी तरह हमें बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव बी एंड सो ऑन, इस तरह भी हमें एटम मिल रहे हैं। अब ये बन गया टू डायमेंशनल क्रिस्टल, इसी तरह थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब भी हम क्रिस्टल की बात करेंगे, चाहे वो वन डायमेंशनल है, चाहे वो टू डायमेंशनल है, चाहे वो थ्री डायमेंशनल है, हम ये कहेंगे कि हम अगर किसी भी पॉइंट को ओरिजिन मानते हैं तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमें एटम मिलना चाहिए। अगर वो आइडियल क्रिस्टल है तो हमें ए पे अगर एटम मिल रहा है तो हमें टू ए पे भी जरूर मिलेगा, हमें थ्री ए पे भी जरूर मिलेगा, फोर ए पे भी मिलेगा। हर एक ए डिस्टेंस के बाद एटम अपने आप को रिपीट करेगा, एटम अपने आप को अपनी पोजीशन को रिपीट करेगा। तो इस तरह का जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, इस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्लियर ये चीज कि जब भी हमारे पास ऑर्डर्ड सॉलिड होगा जिसके अंदर जो एटम्स की पोजीशन है वो एक पर्टिकुलर पीरियड में फिक्स हैं, तो उस तरह के जो सॉलिड्स हैं हम उनको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो तुम्हारे पास कई बार दो नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड्स। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड में फर्क क्या आता है, ठीक है। अब हम जब क्रिस्टल के स्ट्रक्चर पे मूव करते हैं, जब हम क्रिस्टल के स्ट्रक्चर पे मूव करते हैं तो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो बेसिकली कुछ पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हमारे पास लैटिस का, और आई होप कि आप लोगों ने शायद ये चीजें पढ़ी हुई हैं, केमिस्ट्री में पढ़ी हुई हैं, बट हम थोड़ा सा इनको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। पहला आता है लैटिस, दूसरा आता है बेसिस और तीसरा आता है स्ट्रक्चर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं और इनको हम लगातार यूज करते चलेंगे जब भी हम पूरा ये क्रिस्टल लैटिस, ये क्रिस्टल बेसिस और ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये तीन ऐसी डेफिनेशंस हैं जो एक दूसरे के बड़े नजदीक हैं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि हम जब आगे के फर्दर सॉलिड के अंदर पढ़ेंगे हम कई जगह से लैटिस का यूज करेंगे, कई जगह स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि लैटिस की जब बात कर रहे हैं तो एक्चुअली किस चीज की बात कर रहे हैं और जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हम एक्चुअली किस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास लैटिस। लैटिस बेटा क्या है? इट इज ए ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है, एक ज्योमेट्री के कोरस्पोंडिंग हम इसके अंदर बात करते हैं कि अगर हम एटम्स की पोजीशन को पॉइंट से शो करें। मैं सपोज आप लोगों को अगर कहूं कि कोई भी सॉलिड है उसको अपनी कॉपी पे ड्रा करो, उसको अपनी कॉपी पे बनाओ, एटम्स की जो पोजीशन है अपनी कॉपी पे बनाओ, अब क्या करोगे? एटम्स की पोजीशन की जगह डॉट लगा दोगे, एक डॉट यहां लग गया, एक डॉट यहां लग गया, एक डॉट यहां, यहां, इस तरह से हमने डॉट लगा दी, ठीक है ना। हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक सॉलिड है जिसके एटम्स की लोकेशन ये है, बट एक्चुअली इट इज नॉट सॉलिड, इट इज नॉट सॉलिड। ये सिर्फ एटम्स की लोकेशन को बता रहा है कि हमारे पास जो एटम्स की लोकेशन है वो कैसे, मतलब अगर हम क्रिस्टल की ड्राइंग बनाते हैं, अगर हम उसकी ज्योमेट्री स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लैटिस, उसको हम बोलते हैं लैटिस। अगर हम कॉपी पे पॉइंट से ड्रा करते हैं कि एक एटम्स यहाँ पे है, एक एटम्स की यूनिट यहाँ है, एक एटम्स की यूनिट यहाँ है, एक एटम्स की यूनिट यहाँ है, तो वो हमारे पास जो ड्राइंग बनेगी, जो ज्योमेट्री बनेगी, वो बेसिकली हमारे पास लैटिस होगी, लैटिस होगी, दैट इज नॉट अ स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरे में आती है बेसिस। बेसिस हर एक लैटिस पॉइंट के साथ जो एक एटम, मॉलिक्यूल या कंपोजिट अटैच होता है उसको बोलते हैं बेसिस। फॉर एग्जांपल
अगर मैं कहूं कि जो लेट जो जो क्रिस्टल है वो मेरे पास सोडियम का क्रिस्टल है, इसका मतलब हर एक पॉइंट के साथ सोडियम के एटम्स अरेंज है, हर एक पॉइंट के साथ एक एटम है और जो हमारा सोडियम का एटम है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, अब इसके अंदर एटम दो हैं, एक सोडियम का और एक क्लोरीन का, लेकिन मान लो ये सोडियम है और ये इसके साथ क्लोरीन है, या ये क्लोरीन है क्योंकि क्लोरीन बड़ा है, ये सपोज सोडियम है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है, जो हम लैटिस के पॉइंट लिए हैं, हर एक लैटिस पॉइंट के साथ ये यूनिट एसोसिएटेड रहेगी। अकेला सोडियम के लिए अलग या क्लोरीन के लिए अलग नहीं होगा, लैटिस का पॉइंट एक ही रहेगा, हर एक पॉइंट के साथ हमारे पास दो एटम एसोसिएट होंगे। इसी तरह हो सकता है हमारे पास कोई ऐसा क्रिस्टल हो जिसके अंदर तीन एटम हो, तो हर एक पॉइंट के साथ तीन एटम एसोसिएट रहेंगे। अब सपोज मैं सोडियम क्लोराइड को लेके इसकी तरह बनाऊं, तो लैटिस क्या हुआ, सिंपल, जहां पे हमारे पास जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल है या कंपोजिट है जिसके हम क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, वो हर एक सिंगल यूनिट जिस 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 पॉइंट पे होगी, उन पॉइंट्स की जो ज्योमेट्री होगी, उन पॉइंट्स का जो अरेंजमेंट होगा, दैट इज लैटिस। ये है हमारे पास लैटिस। लैटिस के हर एक पॉइंट के साथ जो एटम या मॉलिक्यूल या कंपोजिट, देखो जब हम एटम की बात करें इसका मतलब सिंगल की बात कर रहे हैं, जब मॉलिक्यूल की बात करें इसका मतलब एक से ज्यादा एटम्स की हम बात कर रहे हैं, तो जब एक से ज्यादा एटम्स की हम बात करेंगे तो इसका मतलब एक पॉइंट के साथ एक एटम नहीं होगा, एक पॉइंट के साथ एक से ज्यादा एटम्स एसोसिएट करेंगे, एक पॉइंट के साथ एक से ज्यादा एटम्स एसोसिएट करेंगे। तो जो भी एटम या मॉलिक्यूल या कंपोजिट लैटिस पॉइंट के साथ एसोसिएट होता है उसको बोलते हैं बेसिस। अब ये है बेसिस, ये है इसकी बेसिस। और तीसरा आता है स्ट्रक्चर, जब हम पॉइंट को इसके साथ अटैच कर देते हैं एक्चुअली, दैट विल बी स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम क्लोराइड का बनाऊं तो मेरे पास हर एक पॉइंट के साथ ये एसोसिएट है, स्ट्रक्चर। जब हम बेसिस की बात करते हैं ना, तो बेसिस के अंदर एटम्स के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही रहेगा, मतलब वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करेगा। जब हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो एक सोडियम और एक क्लोरीन का एटम इकट्ठे रहेंगे, उनके बीच का डिस्टेंस भी सेम रहेगा, उनकी डायरेक्शन भी सेम रहेगी। हर एक बेसिस पॉइंट के साथ, हर एक लैटिस पॉइंट के साथ जो बेसिस अटैच होगी, जो सोडियम क्लोराइड के एटम्स अटैच होंगे, उनकी डिस्टेंस भी सेम रहेगी, उनके बीच का गैप भी सेम रहेगा, उनका बीच का की जो डायरेक्शन होगी वो भी सेम रहेगी। मतलब अगर ये सपोज सोडियम का पॉइंट क्लोरीन से इस डायरेक्शन में, तो हर एक पॉइंट में जो सोडियम है वो क्लोरीन से इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो हमने तीन चीजें की। पहला हमने किया लैटिस। लैटिस क्या है, इट इज अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉलिड, और इसके अलावा कुछ नहीं है। किसी भी क्रिस्टल को अगर हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम उनके एटम्स की लोकेशन को पॉइंट से डिनोट करके ड्राइंग जो बनाते हैं, दैट इज लैटिस, दैट इज लैटिस। हर एक लैटिस के पॉइंट के साथ जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच होगा, ठीक है ना, जिसके जिससे वो क्रिस्टल मिलके बना हुआ है, तो हम उसको बोलते हैं बेसिस। स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, स्ट्रक्चर है कि जब हमने लैटिस को बेसिस के साथ अटैच कर दिया, तब जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट बना, दैट इज स्ट्रक्चर, दैट इज स्ट्रक्चर। इसका मतलब लैटिस प्लस बेसिस इज इक्वल टू स्ट्रक्चर, इज इक्वल टू स्ट्रक्चर। तो लैटिस जब बेसिस के साथ अटैच हो जाएगी, तो जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा, दैट विल बी स्ट्रक्चर। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये कंसेप्ट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमें कहीं कहीं लैटिस की जरूरत पड़ेगी, कहीं कहीं हमें स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, कहीं हम बेसिस के एटम्स की बात करेंगे, तो ये तीनों कंसेप्ट, पहली चीज है कि आपके लिए अलग अलग होने जरूरी हैं। अगर आपके माइंड में चीजों के एक विजुअलाइजेशन नहीं है, तो आपको आगे चल के दिक्कत आएगी अंडरस्टैंड करने में सॉलिड को। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो पूरी की पूरी सॉलिड है वो हमें थ्री डायमेंशन में, और थ्री डायमेंशन में मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं कि एटम्स किस तरह से अरेंज हैं, क्योंकि ना तो हम बोर्ड पर ड्रा कर सकते हैं थ्री डायमेंशन को,
आपको थोड़ा सा दिमाग खोल के विजुलाइज करना पड़ेगा कि वो कैसे होंगे, ठीक है ना। अगर हम सोडियम और क्लोरीन के दो एटम्स की लोकेशंस सिर्फ बताते हैं कि एक यहाँ पे है सोडियम क्लोराइड क्लोरीन का एटम, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ 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 यहाँ, जब हम पॉइंट्स लगा देते हैं तो वो लैटिस बनेगी। जब हम सोडियम और क्लोरीन की बात कर रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड है तो उसके अंदर कितने एटम्स हैं एक पॉइंट के साथ जो एसोसिएट करेंगे, वो दो हैं सोडियम और क्लोरीन। वहां पे हम बेसिस की बात कर रहे हैं। और जब हम हर एक पॉइंट पे उन एटम्स की लोकेशंस फिक्स कर देते हैं तो जो हमारे पास फाइनल बन के आता है वो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, वो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। उसके बाद जो अगला कंसेप्ट आता है भाई वो आता है यूनिट सेल का, यूनिट सेल एंड प्रिमिटिव सेल, यूनिट सेल एंड प्रिमिटिव सेल, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब हम यूनिट सेल की बात करते हैं, यूनिट सेल बेसिकली क्या है, यूनिट सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल। हमने आपको जैसे ये बताया कि जब हमने बात की क्रिस्टल्स की, तो क्रिस्टल में हम क्या कहते हैं कि वो एटम, वो जो अरेंजमेंट है वो पीरियोडिक अरेंजमेंट है, और जो एटम्स हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद डिफरेंट डायरेक्शन में अपने आप को रिपीट करते हैं। अब यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल वो स्मॉलेस्ट पार्ट है उस पूरे के पूरे लैटिस का या उस पूरे स्ट्रक्चर का, जिसको जब हम रिपीट करते हैं ओवर एंड अगेन, तीनों डायमेंशन में जब हम ओवर एंड अगेन उसको रिपीट करते हैं तो वी गेट द कंप्लीट स्ट्रक्चर, वी गेट द कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो छोटे से छोटा पार्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई दीवार बना रहे हैं, ठीक है, तो एक जो ब्रिक है, ब्रिक से मिलके बनी है दीवार, हम एक ही ब्रिक को क्या करते हैं ओवर एंड अगेन रिपीट करते रहते हैं और कंप्लीट हमारे पास एक वॉल का स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। तो जो बिल्डिंग ब्लॉक क्या हुआ वहां पे, वो एक ईंट, दैट इज यूनिट सेल, दैट इज यूनिट सेल। अब क्वेश्चन अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या एक क्रिस्टल के अंदर एक से ज्यादा यूनिट सेल हो सकती है, क्वेश्चन है कि क्या एक क्रिस्टल के अंदर एक से ज्यादा यूनिट सेल हो सकते हैं, आंसर इज यस, हो सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोई लैटिस है, टू डायमेंशनल लैटिस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये टू डायमेंशनल कोई लैटिस है। अब मैं कहता हूं कि अगर हम इस पार्ट को रिपीट करते चलें ओवर एंड अगेन, ये इससे आगे फिर ये रख दिया, इससे आगे फिर ये रख दिया, इससे आगे फिर ये रख दिया, इससे ऊपर भी रख दिया, इधर भी रख दिया, इधर भी रख दिया, इधर भी रख दिया, इधर भी, अगर हम इसको रिपीट करते चले तो वी गेट द कंप्लीट लैटिस और कंप्लीट स्ट्रक्चर, जिस भी हम टर्म में बात करेंगे यूनिट सेल में दोनों टर्म में चलती है। अगर हम स्मॉलेस्ट पार्ट को रिपीट करते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस व्हिच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड अगेन, वी गेट द कंप्लीट लैटिस, वी गेट द कंप्लीट लैटिस, दैट इज यूनिट सेल, दैट इज यूनिट सेल, एक छोटे से छोटी सेल, एक यूनिट सेल की यूनिट क्या है। अब मैंने बताया कि क्या एक से ज्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल, इसको रिपीट करते हैं तो भी बनेगा, अगर मैं कहता हूं कि हम इसको रिपीट करते हैं तो भी बनेगा, अगर हम इसको रिपीट करते हैं तो भी बनेगा, अगर हम इसको रिपीट करते हैं तो भी बनेगा, अगर हम इस बड़े को रिपीट करते हैं तो भी बनेगा, अगर हम इसको रिपीट करते हैं तो भी बनेगा। तो देयर आर सो मेनी यूनिट सेल्स विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड अगेन, जो हम जिसको रिपीट करते चले तो हरेक में हमारे पास लैटिस बन रही है, तो इट मीन्स हरेक उसके अंदर, हरेक क्रिस्टल के अंदर एक से ज्यादा यूनिट सेल एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन अब क्वेश्चन फिर यहां पे आता है कि अगर एक से ज्यादा यूनिट सेल एग्जिस्ट कर सकते हैं तो हम स्टैंडर्ड किसको माने, हम जब बात करेंगे कि इस बिल्डिंग ब्लॉक की जो यूनिट सेल है वो ये है तो व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड, किसी को तो हमें यूनिट मानना पड़ेगा ना, किसी को तो हमें कन्वेंशनल यूनिट सेल पे चलना पड़ेगा ना, कि इसकी कन्वेंशनल
जब हम कभी भी उसकी बात करें तो हाँ एक पर्टिकुलर हमारे दिमाग में आ जाए, वो सेल है हमारे पास प्रिमिटिव सेल, वो सेल है हमारे पास प्रिमिटिव सेल। और प्रिमिटिव सेल की एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसकी डेफिनेशन ही अपने आप इसको यूनिक बना देती है। इसकी डेफिनेशन है कि प्रिमिटिव सेल वो यूनिट सेल है, मतलब है ये भी एक यूनिट सेल, इन यूनिट सेल में से प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सी होगी, प्रिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल होगी जिसके सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम्स हो, पहली चीज, बीच में कोई एटम नहीं आएगा। प्रिमिटिव यूनिट, प्रिमिटिव सेल इज अ यूनिट सेल विच हैज एटम्स ओनली एट कॉर्नर्स एंड विच हैज द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम, विच हैज द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम, इन सारों में से जिसका जो वॉल्यूम है वो स्मॉलेस्ट होगा। क्योंकि क्वेश्चन अब ये आता है कि जब हमने कहा ना कि जिसके सिर्फ कॉर्नर पे एटम्स हो, अब इसके भी कॉर्नर्स पे एटम्स है और मैं कहूं ए इसके भी कॉर्नर्स पे एटम्स है सिर्फ, कोई चीज नहीं, तो इन दोनों में से कौन सी प्रिमिटिव होगी जिसका वॉल्यूम कम होगा। थ्री डायमेंशन में बात करेंगे तो हम वॉल्यूम की बात करेंगे, अगर जैसे हम यहां पर टू डायमेंशनल ड्रा कर रहे हैं तो जिसका एरिया मिनिमम होगा। तो प्रिमिटिव सेल इज अ यूनिट सेल विच हैज मिनिमम एरिया एंड इट हैज एटम्स और लैटिस पॉइंट्स ओनली एट द कॉर्नर्स, ओनली एट द कॉर्नर्स, तो दैट यूनिट सेल इज अ प्रिमिटिव सेल। और एक क्रिस्टल के अंदर, एक लैटिस के अंदर एक से ज्यादा प्रिमिटिव सेल एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमारे पास यूनिट सेल दो तरह की होती हैं, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स आर द सेल्स व्हिच हैज एटम्स ओनली एट द कॉर्नर्स और लैटिस पॉइंट ओनली एट द कॉर्नर्स एंड हैज मिनिमम वॉल्यूम इन थ्री डायमेंशनल एंड मिनिमम एरिया इन टू डायमेंशनल। एंड नॉन प्रिमिटिव सेल इज ऑल अदर यूनिट सेल्स एक्सेप्ट प्रिमिटिव सेल, एक्सेप्ट प्रिमिटिव सेल। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमारे पास यूनिट सेल का और प्रिमिटिव सेल का। मुझे लगता है कि आप लोग में ये सारी चीजें छोटी छोटी हैं वैसे तो, लेकिन आपने पढ़ी हुई होंगी, लेकिन ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं ये हमें बड़े यूज होंगे, आगे आगे बड़े काम आएंगे और हम इनको जैसे जैसे करेंगे। और तो ये चीजें अगर आप लोगों को नहीं आती तो यू विल बी कन्फ्यूज्ड इन द फ्यूचर यूनिट। तो आज हम अपने उसको यहीं रखते हैं, आज हमने कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल पार्ट किया, पहले किया हमने सॉलिड कितने होते हैं, सॉलिड दो तरह के हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिनके अंदर इररेगुलर अरेंजमेंट होता है दे आर अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, उसके बाद जब हमने क्रिस्टल्स की बात की तो क्रिस्टल के अंदर हमने तीन कंसेप्ट किए, पहला किया लैटिस का, लैटिस इज द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट्स, कि अगर हम उसके पोजिशंस की ज्योमेट्री ड्रा करते हैं तो दैट इज लैटिस, और जितने भी एटम्स से मिलके वो सॉलिड बना है, जितने भी एक जो छोटी से छोटी यूनिट है उस पूरे पूरे उसकी, उसको बोलते हैं बेसिस। जब वो यूनिट नंबर ऑफ एटम्स या एक एटम हो या एक से ज्यादा एटम्स होंगे, जब वो ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जब उन लैटिस के पॉइंट्स के साथ एसोसिएट करता है, उसके साथ अटैच हो जाता है, तो वी गेट द स्ट्रक्चर। फिर हमने बात की यूनिट सेल की, यूनिट सेल क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए स्ट्रक्चर, छोटे से छोटा जो स्ट्रक्चर है जिसको जब अगर हम रिपीट करें तो हमें पूरे का पूरा, पूरी की पूरी बिल्डिंग ब्लॉक मिल जाए, पूरे का पूरा हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाए, तो उसको बोलते हैं यूनिट सेल। प्रिमिटिव सेल वो यूनिट सेल है जिसका जो एरिया होगा वो मिनिमम होगा टू डायमेंशन की अगर हम बात करें, और जिसका वॉल्यूम मिनिमम होगा अगर हम थ्री डायमेंशन की बात करें। ठीक है, और जिसके जो एटम्स होंगे दे आर ओनली एट कॉर्नर्स, ओनली एट कॉर्नर्स। तो ये छोटे छोटे हमने चार पांच कंसेप्ट आज किए हैं, होप ये आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर समझ में ना आए तो हम डिस्कस कर सकते हैं, और आप इनको कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे मूव करेंगे। ठीक है, तब तक भाई थैंक यू।